मुझे नियति से बात करनी है। शौर्य, आपको जो भी बात करनी है आप अग्नि के सामने कीजिए। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ नियति। मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुमने ये कुर्बानी मुझे और जानवी को मिलाने के लिए दी है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने इतना बड़ा झूठ हम सबसे क्यों बोला, मुझसे क्यों बोला? किस झूठ की बात कर रहे हैं आप शौर्य? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किस झूठ की बात कर रहा हूं। रागनी की बात कर रहा हूं। यदि अब भी वक्त है मुझे सब सच सच बता दो। यदि बता दो कि अग्नि और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं। चुप क्यों हो? बोलो यदि, बोलो। रुको अग्नि, ये सवाल शौर्य ने नियति से किया है और इसका जवाब भी नियति ही देगी। आप जो भी देख रहे हैं वो एकदम सच है। हम अग्नि को पसंद करते हैं, अग्नि को पसंद नियति। शौर्य, तुमने सुना नहीं नियति ने अभी भी क्या कहा? मैं नियति से बात कर रहा हूं, बीच में मत आना। आपको इस तरह से अग्नि से बात करने का कोई हक नहीं है। हम एक बात हमेशा के लिए साफ कर देना चाहते हैं, हम अग्नि से प्यार करते हैं। आज हमारी दोस्ती पर शर्म आती है मुझे, तुम और इतनी खुदगर्ज। कभी सोच भी नहीं सकता था तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं, तुमने मॉम और पापा के बारे में भी नहीं सोचा, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने अपने सर आंखों पे बिठाया तुम्हें, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, उन लोगों के बारे में नहीं सोचा जिन्होंने तुम्हें इतना मान और सम्मान दिया। गलत। वो प्यार, वो मान सम्मान हमारे लिए नहीं था, वो तो उनकी कुलवधू के लिए था। अच्छा, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारा ये असली चेहरा मेरे सामने आ गया। शौर्य, जाते जाते हमारी भी एक बात सुन के जाइए। तीन दिन के बाद अग्नि के साथ शादी करने वाले के साथ। शौर्य से क्या कहा? आपने ठीक सुना, हम 3 दिन बाद शादी कर रहे हैं। यदि मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूं। आप शादी की तैयारियां कीजिए। We'll be right back.
अग्नि से प्यार करते हैं, से प्यार करते हैं। तीन दिन के बाद अग्नि के साथ शादी करने वाले। चाहते हैं कि हम दोनों की शादी हो जाए। हाथी आया, मेरे पैर जमीन पर ही टिक रहे हैं। शौर्य, हम आपके घर की कुलवधू बने, वो एक छूटा रिश्ता था। अब हम अग्नि के साथ 3 दिनों के बाद एक रिश्ते में बनने जा रहे हैं। ये भी एक छूटा रिश्ता ही होगा, क्योंकि हम अग्नि से प्यार नहीं करते। अग्नि से रिश्ता शायद हमारी किस्मत में है, और आपसे प्यार करना हमारी मजबूरी है। लेकिन इस सब के बाद भी हम खुश हैं, क्योंकि आपको आपका प्यार लौटा पाए, आपको जानवी से मिलवा पाए। हमने जो अपने दोस्त को वादा किया था, वो हम निभा पाए। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या हो सकती है? Yeah.
नियति, नियति, बहू नियति कहाँ है? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं को दे रहा? नियति है कहाँ? विक्रम बेटा, बात क्या है? नियति है कहाँ? और ये सब क्या हो रहा है? दादी साहब, दादी साहब, नियति ये घर छोड़कर चली गई और नियति और अग्नि, नियति और अग्नि क्या शौर्य? नियति और अग्नि शादी कर रहे हैं। शौर्य और नियति की शादी कभी हुई ही नहीं, वो सब एक ढोंग था। नियति कभी हमारी कुलवधु थी ही नहीं। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी नियति ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने उसे बचपन से देखा है, वो अपने वासुबा से कभी झूठ नहीं बोल पाएगी, कभी झूठ नहीं बोल पाएगी। मैं अभी उससे बात करती हूँ फोन पे। नीति दादी सा से झूठ नहीं बोल पाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हेलो नियति बेटा, मैं वासुबा बोल रही हूँ, तुम्हारी दादी सा। दादी सा? हाँ बेटा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम और अग्नि? विक्रम जी, मुझे लगता है बाघ को कोई गहरा सदमा पहुंचा है, और मुझे लगता है इसमें से उन्हें बाहर आने में कुछ वक्त लगेगा। हाँ, और एक बात याद रहे, आप उनसे ऐसी कोई बात ना कहिएगा जो उनके दिल को कुछ तकलीफ पहुंचे। मैंने दवाइयां लिख दी हैं, इन्हें मंगवा लीजिएगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए डॉक्टर साहब, हम आपको छोड़ के आते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र इनको कुछ नहीं हुआ, वरना ये तो मेरी सगाई तोड़ने पे तुली थी।
बड़े पापा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? बड़े पापा वो अब क्या काम है तुम्हें हमारे पास? संतोष मिला हमारे परिवार को बर्बाद करके? तुमने हमारे परिवार पर बदनामी का दाग लगाया है। गलती हमारी थी, एक पैर की जूती को सर पर चढ़ा कर रखा। आज तुम्हारी वजह से हमारी मासा की तबीयत इतनी खराब हो गई। दादी साहब को क्या? बड़े पापा बोले खाते हैं दादी साहब। खबरदार जो मासा का नाम लिया तो बहुत हो गया। बंद करो यह नाटक। हमारी कुलवधु का नाम लिया, हमारी बेटी समझा, लेकिन तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। कुछ सुनो नियति, हम शौर्य की शादी करने जा रहे हैं जानवी के साथ। अगले 3 दिनों में राठौड़ खानदान अपनी असली कुलवधु का स्वागत करेगा। आइंदा यहां फोन करने की जरूरत नहीं करना। शौर्य घबराओ मत, बात ठीक हो जाएगी। वैसे भी शी इज इंप्रूविंग, उन्होंने अभी थोड़ा सा सूप भी पिया था। या बेटा, हम लोग बा की देखभाल कर रहे हैं। बा को तो अब ठीक होना ही होगा, क्योंकि 3 दिन बाद तुम्हारी और जानवी की शादी जो हो रही है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। जानवी बेटा, ये हमारे कुल के कंगन है, अब तुम्हारी अमानत है। हमारी धरोहर है, इस खानदान की परंपरा, इस घर की कुलवधू का हक, इसकी लाज रखना। थैंक यू मामा। ओह, खुश रहो बेटा। रिवाज और ये रिचुअल्स कितने बोरिंग होते हैं ना। जानवी ये क्या कर रही? शौर्य ये कंगन कितने ओल्ड फैशन है, और तुम तो जानते हो आजकल के जमाने में इतने भारी भरकम कंगन कौन पहनता है। ये कोई मामूली कंगन नहीं है, ये मेरे खानदान के कंगन है। ओ कम ऑन शौर्य, अब तुम मच्छर हो जाना प्लीज। शौर्य तुम तो जानते हो मुझे ये सब हैवी ज्वेलरी बिल्कुल नहीं पसंद। वो तो आज एंगेजमेंट है इसलिए ये सब पहनना पड़ा। यू नो आई फील लाइक अ क्रिसमस ट्री। शौर्य मेरी बात सुनो, वैसे भी हमें कौन सा यहाँ रह के परंपराओं को निभाना है? जब हम यहाँ रहेंगे ही नहीं तो एक खानदान, परंपरा, कंगन, हाउ डज इट मैटर? क्या मतलब? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ओए, तुम्हारा मतलब है कि शादी के बाद हम यहाँ इस घर में सबके साथ रहेंगे? एक बार तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए तो हम दोनों वापस अमेरिका।